नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक घटना भारत में हुई, लेकिन रिएक्शन पाकिस्तान से आया, और रिएक्शन देने वाला कौन है? भारत का नंबर एक दुश्मन की लिस्ट में जिसका नाम शुमार है। जी हां, बात कर रहे हैं आतंकी हफीज सईद की। भारत में कल एक ऐसा मामला सामने आया जिसे बदसलूकी कहा जा सकता है, लेकिन उसे धार्मिकरण करने की उसकी कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बावजूद ये पूरा मामला भारत का था, उसे भारत में सुलझाया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हफीज सईद ने इस पर पूरी टिप्पणी तक दे डाली, जिसमें कहा गया है कि भारत में मुसलमानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हफीज सईद को यह अधिकार है कि वो भारत के निजी मामलों में हस्तक्षेप करें, और क्या सवाल ये नहीं उठता है कि हफीज सईद किस हैसियत से इस तरीके के बयान दे रहा है? इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकी हफीज सईद का नया ड्रामा, ट्वीट करके रोजेदार को रोटी खिलाने वाले मामले में भड़काया। भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश क्यों की? भारत के आंतरिक मामलों में किस हैसियत से दखल दी? क्या हफीज सईद पर लगाम नहीं लगा पा रहा है पाकिस्तान? मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हफीज सईद ने भी महाराष्ट्र सदन में हुई घटना पर अपना भड़काऊ बयान दिया है। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसद ने गलतफहमी में एक रोजेदार के मुंह में रोटी डालने की कोशिश की थी। इस अभद्रता की पूरे हिंदुस्तान ने निंदा की, और उसके बाद सांसद ने माफी मांगी। ये अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम ही हो, मेरे को मालूम भी नहीं था। वो रोटी हाथ से भी नहीं टूटती थी, तो वो रोटी बोला कि तुम खा के दिखाओ, और उसको क्या जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं, उसको खिलाने के लिए उसने बोला खा के दिखाओ, उसने खाया भी नहीं। और देखो, कोई जानबूझ के ऐसा कोई ये मुस्लिम है इसलिए इसको रोजा ये करने के लिए, ये गलत है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन हफीज सईद को भारत के मुसलमानों को भड़काने का जैसे मौका मिल गया। हफीज ने एक ट्वीट जारी करके कहा है, इस मामले पर भारत सरकार की निंदा करता हूँ। शिवसेना सांसदों का यह कृत्य मानवता के लिए कलंक है, और यह सीधे तौर पर मुस्लिम मूल्यों पर हमला है। मोदी की सरकार में इस तरह की घटनाएं हों तो आश्चर्य की बात नहीं है। भारत के इसी चेहरे की वजह से पाकिस्तान बना। मुसलमानों के खिलाफ ऐसे मामले गुजरात और मुजफ्फरनगर से आगे का सिलसिला है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और हिंदुस्तान का गुनहगार यहीं नहीं रुका, उसने आगे लिखा, धर्मनिरपेक्षता भारत की बात महज एक भ्रम है, दो देशों का सिद्धांत सत्य है। भारत के मुसलमानों को दमन के खिलाफ खड़े होना चाहिए और साथ मिलकर लड़ना चाहिए। जाहिर है, इस ट्वीट के जरिए उसने भारत के आंतरिक मामले में दखल देकर यहाँ के मुसलमानों का रहनुमा बनने की कोशिश की है, लेकिन उसकी ये कोशिश सिरे से खारिज हो गई। आखिरकार आतंकी सईद कौन होता है जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे? आतंकी हफीज सईद को पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, तब उसे दूसरों की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर इतने अत्याचार होते हैं, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, जबकि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। सुदर्शन न्यूज के लिए अनुज विश्वास के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि आखिर हफीज सईद की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट भारत के लिए किस तरीके से आ सकता है? सवाल यह भी है कि हफीज सईद को भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों है, भारत के आंतरिक मामलों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विदित चौधरी, कांग्रेस नेता, मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ श्याम जाजू साहब बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जाजू साहब, आपसे शुरुआत करें, ये पूरा मामला जो है वो दो पार्टियों का कहा जा सकता है, भारत का कहा जा सकता है, मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए, तो क्या भारत की तरफ से हफीज सईद को कोई संदेश अब तक ऐसा नहीं गया है जिसके कारण ये लगातार इस तरीके की बातें हफीज सईद की तरफ से आती हैं? कारण क्या है, हफीज सईद को इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? एक बात स्पष्ट है जी, जिस प्रकार की घटना कल हुई है वो निंदनीय है, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। कोई भी सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना का कोई समर्थन नहीं करेगा, ठीक है। उसका उचित माफी मांगना, खेद जताना, यह भी शिवसेना की ओर से हो गया। ये घटना कोई सामान्य आदमी से होती तो उसी लोगों ने इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की। अपने देश में इस विषय का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह अलग बात है। हफीज सईद जैसा वांटेड आदमी जो आतंकवादी है, इस देश का शत्रु नंबर वन है, कई केसेस में वो चाहिए लोगों को, सभी रिपोर्ट्स में आया है, इससे आदमी को इस प्रकार की रिएक्शन देने का क्या अधिकार है? उसने केवल हिंदुओं के खिलाफ नहीं दिया है, इस देश के देशभक्त मुसलमानों के खिलाफ भी यह बयान है। इस देश में कितने बड़े पैमाने पे जनता, मुस्लिम जनता इस देश पर प्रेम करती है, मिलजुल कर रहती है, उनको ऐसी घटना से दर्द होता है, उनको दुख होता है, पर यह बाहर रहने वाले
और आतंकवादी इस प्रकार के बातों पे विश्वास करने वाले हिंदू मुसलमानों में तेड निर्माण करके यहाँ के भारत के मुसलमानों के ये शत्रु है, भारत के तो शत्रु ही है, उनको इस प्रकार का बाहर रहकर इस प्रकार का अंतर्गत मामलों में दखल लेना ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। ठीक, इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। विजय चौधरी जी, मैं आपका भी इस पर पूरा स्पष्टीकरण चाहता हूं, आपकी तरफ से आपकी टिप्पणी चाहता हूं पहले, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूं। ठीक है, हाफिज सईद भारत के लिए एक आतंकवादी है और वो भारत के लिए जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उस लिस्ट में शामिल है। किसी भी आतंकवादी को इस तरीके की बयानबाजी देश के प्रति करना हम घोर निंदा करते हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं अपने शब्दों में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके की घटना हमारे देश के अंदर घटित हो रही है, शिवसेना के सांसदों ने जिस तरीके की बात की, चलो उन्होंने बाद में गलती मानी, लेकिन किसी तरीके से भी यदि वो मुसलमान नहीं होता तो हिंदू के साथ में भी इस तरीके का बर्ताव नहीं किया जा सकता जिस तरीके के सांसदों ने कल किया है। वो ठीक है। मैं एक बात और जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हमें और इस गहराई में और अंदर तक जाना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि जिस तरीके से प्रवीण तोगड़िया जी पिछले लंबे समय से बेतुके बयान मीडिया के माध्यम से अपनी सभाओं में दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं देश को बांटने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। और हाफिज सिद्दीकी चाहे जो मर्जी बयान दे, भारतवर्ष का मुसलमान इतना जागरूक है वो अपनी अच्छाई और बुराई समझता है और इन सब चीजों का भारत के मुसलमान या हिंदुओं पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मेरा सवाल जो है वो विदित चौधरी जी के सवाल से थोड़ा आगे है, इसी में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग जो है खुद एकजुट नहीं है, हमारी सियासी पार्टियां हैं वो तमाम मुद्दों का धर्म निरपेक्षता के तहत नहीं देखती है, उनका कहीं ना कहीं उन्हें धार्मिक रूप दे दिया जाता है। हम ही उन तमाम मुद्दों को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं जिसके कारण हफीज सईद जैसे लोगों को बोलने का मौका मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है, कई बातें तो राजनीति के ऊपर उठकर होती है, होनी चाहिए। जब देश का विषय आता है, इस प्रकार खूंखार आतंकवादी कुछ बयान देता है तो इसमें दो राय होनी नहीं चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि चौधरी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है उन्होंने भी उसकी घोर निंदा की है। ऐसे कुछ विषयों पे हम कोई विपक्ष की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो दुख उसी भी टाइम हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी सीएम होते हुए वो अमेरिका वाले वीसा नहीं दे रहे थे, अमेरिका का अपना काम है, पर इस देश के 65 सांसदों ने साइन करके लिख के दिया था इनको मत दो आप वीसा। अब ये भाई इस देश की चौधराहट अमेरिका को देने वाले आप कौन होते हो? इस देश के मसले हम हल करेंगे, हमारे स्तर पर करेंगे, हम बाहर के लोगों को इनवाइट करने वाले कौन होते हैं? यार इस प्रकार की घटनाओं का राजनीतिकरण करके हम आपसी मतभेद बढ़ा रहे हैं और इस देश का नुकसान कर रहे हैं। राजनीति में हार जीत चलती है, पर ऐसे कुछ विषय रहने चाहिए देशभक्ति के कि उस पे नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस, इस प्रकार की घटना होनी चाहिए। इसलिए कल का भी मुझे अच्छा लगा कि शिवसेना का किसी ने समर्थन नहीं किया। इस प्रकार की घटना कोई भी लोकप्रतिनिधि करता है तो वो निंदनीय बात है, ठीक है। पर उस ऐसा होते हुए भी अब सईद इस प्रकार का अगर वहां से पाकिस्तान से बयान देगा तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। विदित जी, हम लोग जो हैं जो पूरे मामले हैं जो ऐसे मामले जिन्हें आराम से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, अगर मैं कल ही के मामले की जिक्र करूं, ठीक है तमाम लोगों ने इसकी निंदा की है, मामला जो है बदसलूकी का था उसे एक सही तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रूपांतरित कर दिया गया। उसके बाद उस मामले को रोजे से जोड़कर, श्रावण से जोड़कर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से जोड़कर देखा जाने लगा। क्या हम लोग एक मौका नहीं दे रहे हैं बाकी लोगों को? उसके बाद फिर हम कैसे कहें कि अब जो बाकी दो देश हैं उसकी तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट ना आए, हफीज सईद जैसे लोग हैं उस पर स्टेटमेंट ना दें? देखिए, मौका कौन लोग दे रहे हैं इसके भी तथ्य के पीछे जाना पड़ेगा। जब कोई इशू बनता है तो उसको इशू को खत्म करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म करना चाहिए इशू को जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा इतने लिए ही देश के लिए अच्छा रहेगा। मौका किसने दिया? निश्चित रूप से सावन का महीना, निश्चित रूप से रमजान का महीना है तो रमजान के महीने में रमजान की बात तो करनी पड़ेगी। सावन के महीने में सावन की बात नहीं करेंगे तो क्वार के महीने में सावन की बात करेंगे क्या? निश्चित रूप से कांवड़ सावन के महीने में चल रही है तो कांवड़ एक इशू है, रमजान और पवित्र महीना है तो इसमें एक इशू है। बात यह है कि इशू कहां से बना? क्या किसी कर्मचारी को रोटी खिलाकर
क्या किसी कर्मचारी के मुंह में रोटी ठूस कर उसको उसका बदला लिया जा सकता है? क्या आपको, क्या, क्या कर्मचारी दोषी था उसके क्या, लिए क्या ये उस इसी मानसिकता के साथ किया गया था? वो कर्मचारी दोषी था? आपको क्या ये इसी मानसिकता के साथ किया गया था जिसके बाद जिस तरीके से इसको आगे प्रेषित किया गया? ये मानसिकता तो वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं जिन लोगों ने काम किया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके से हैं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है यहाँ पर कि जिस तरीके से इशू बने हैं, चाहे काट का इशू हो, वो भी सॉर्ट आउट हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने और वहां के पूर्व विधायक ने और प्रेजेंट विधायक ने बैठकर वो मामला सॉर्ट आउट कर लिया था, लेकिन दिल्ली से फोन गया, दिल्ली से फोन जाने के बाद में वहां पर महापंचायत होने की बात की और महापंचायत के अंतर्गत वहां पर सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, डीएम की आंख तक गवा चुके हैं। है, तो इसके लिए कौन दोषी है? ठीक है, कौन इशू खत्म करना? फिर दरअसल जी फिर मसला वही आ जाता है, हम लोग जो हैं सिर्फ तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप जरूर लगा रहे हैं, आरोप की और यही मौका देने का कारण हो सकता है ना, इसी चीज के लिए तो हम यहां पर बैठे हैं। यही सवाल है कि आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को, एक दूसरे पर ही सवाल आप उठा रहे हैं। पाकिस्तान की को मौका मिल जाता है, हफीज सईद को मौका मिल जाता है, जाहिर है उन्हें तो एक मौका चाहिए इस तरीके की टिप्पणियां करने के लिए। हम एक मैसेज कब देंगे पाकिस्तान को, एक कड़ा मैसेज देने के लिए हम कब तैयार होने वाले हैं? तमाम पार्टियां, यूपीए सरकारें वक्त भी थी यही स्थिति थी, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से इस पर बयानबाजी आती रही है, और अब स्थिति यह है, अब कांग्रेस की तरफ से ये सिलसिला शुरू हो गया है। हफीज सईद जो कहते हो नहीं, निश्चित रूप से देखिए हफीज सईद जैसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और हमें जितनी हम विदेश पॉलिसी के माध्यम से दबाव बना सकते हैं हमें दूसरे देशों पर वो दबाव बनाना चाहिए। और हाफिज सिद्दीकी एक आतंकवादी है और उस आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए, वो दोषी है और वो इंडिया के लिए वांटेड भी है, निश्चित रूप से ठीक, वो ठीक। उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब हमारे देश के नेता इस तरीके के बयान देंगे, प्रवीण तोगड़िया जी के बयान की बात नहीं की आपने, यदि उनको भी उनके भी बयानों को देखा जाएगा, मैंने जिक्र किया ना, मैंने तो जिक्र नहीं किया कि तमाम जो वो देश को बांटने वाले बयान के बयान आते रहेंगे तो हम इस तरीके से तो, ये जो तो पार्टी सत्ता में है उनको इस चीज पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि इस तरीके के बयान ना आए और देश को बंटने से रोका जाए। जो हमारा दुश्मन है, पहला हमारा निशाना वो होना चाहिए, हम अपना दुश्मन से अच्छी तरीके से बदला लेना चाहिए। ठीक, श्याम जाजू साहब, हमारी जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो इतनी सख्त नहीं है कि पाकिस्तान को अब तक एक भी मैसेज अब तक ऐसा गया हो जिसके बाद वो हफीज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे, या पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही इस तरीके के स्टेटमेंट आए हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हफीज सईद को हम आतंकी घोषित कर सकें? ये बात झूठ है। बहुत से विषयों में हफीज सईद का बयान पाकिस्तान में रह के भी उसने दिया है, 26/11 के बाद भी उनका नाम आया, मास्टरमाइंड वो थे, बीच में अपने यहां से यासीन भटकल उनको मिलके आया, और उनका पब्लिक स्पीच है पाकिस्तान में रहते हुए, उन्होंने कभी संकोच नहीं किया इस बातों का समर्थन करने के लिए। और आज का उनका ट्वीट क्या कह रहा है, उनको यह अधिकार है? मुझे दुख इस बात का है कि याद के देशभक्त मुसलमान आज दिन में 4 लोगों के स्टेटमेंट आने चाहिए थे कि हम इसकी निंदा करते हैं, आप इसमें दखलंदाजी मत करो, इस देश का मसला है हम देखेंगे। संजोग से इस देश में मुसलमानों की तरक्की हिंदुओं के साथ साथ हो रही है, सब इस मिलेजुल भाव ये इस देश में है, इसमें इस प्रकार के दरार निर्माण करने का इनको किसने अधिकार दिया? बिल्कुल, और इस देश के पूरे मुसलमानों को उन्होंने वो ठेकेदार बन के जिस प्रकार के वापस आऊंगा आपके पास विदित जी, जो सवाल यहाँ पर श्याम जाजू साहब ने उठाया है ये काफी मेरे को सटीक लगता है। आपको नहीं लगता जो मसला कल हुआ, जो भारत की पूरी स्थिति थी जिसमें एक सांसद जो है एक बदसलूकी करता है एक व्यक्ति विशेष के साथ जो एक वर्ग विशेष से संबंधित है, उसके बाद इस तरीके की टिप्पणियां की एक होड़ लग गई है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर टिप्पणी कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे देश में बैठा हुआ आतंकी इस तरीके की टिप्पणी करता है, किसी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं, तब कांग्रेस पार्टी के लिए जो तमाम धर्म है तमाम मर्यादा वो कहां चले जाती है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, टिप्पणी नहीं कर रहा, अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है और वो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, और उसके खिलाफ सरकार को जो कठोर कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए, अपनी कूटनीति के माध्यम से दबाव बनाना चाहिए और उसको इंडिया लाने के बाद में सजा मिलनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको और जरूर बता दूं कि बार बार अभी श्याम जाजू जी कह रहे थे कि भी मुसलमानों की तरफ से इस पे विरोध नहीं हुआ, भारत का मुसलमान राष्ट्रभक्त है, वो भारत के साथ में है। बिल्कुल, हाफिज सईद जैसे लोग जितने मर्जी स्टेटमेंट जारी कर ले उन पर भारत के जागरूक नहीं पड़ने वाला है ना, बिल्कुल हिंदुओं पर और मुसलमानों पर इसका फर्क नहीं पड़ता, वो
आतंकवादी है और सब लोग उसको आतंकवादी मानते हैं। नहीं, सवाल निश्चित रूप से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस तरीके से जब यहां पर हमारे बीच में फूट डाली जाएगी, हमारे बीच में इश्यू बनेंगे, हमारे बीच में बयानबाजी होगी, बार बार मैं कह रहा हूं, तो बाहर के लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो बेतुके बयान भारत के अंदर प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग दे रहे हैं उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल, जवाबदेही किसी की होनी चाहिए। और जिस तरीके से यहां पर ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? क्या हम पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पाए हैं? और क्या पाकिस्तान, जो लगातार इस बात का दावा करता है कि वो भारत का दोस्त है, कहीं ना कहीं पीछे से कुछ और चाल चल रहा है? लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा जारी है। पाक में क्यों हो रहा है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार? पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की हालत दयनीय है। मुंबई हमलों का गुनहगार देगा भारतीय मुसलमानों को नसीहत? कौन होता है हाफिज सईद, भारत के मुसलमानों की बात करने वाला? किसने दिया हाफिज सईद को यह अधिकार? मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड पर सैकड़ों मुसलमानों का खून बहाने का भी संगीन आरोप है। जमात उद दावा जैसी आतंकी संगठन का यह मोस्ट वांटेड आतंकी भारत के मुसलमानों को नसीहत दे रहा है? क्या हाफिज सईद को पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता? वहीं पाकिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की स्थिति तो बेहद ही दयनीय है। वे हमेशा डर और आतंक के साये में जी रहे हैं। उधर अन्य समुदायों के अल्पसंख्यकों की भी यही दशा है। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने किया है। आयोग ने खास तौर पर वर्ष 2010 को अल्पसंख्यकों के लिए बेहद ही खराब बताया। 2010 में जारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उराक जाय एजेंसी नामक इलाके में 102 सिख परिवारों में से करीब 25% ने तालिबानियों के फरमान के बाद अपना घर छोड़ दिया। उन्हें तालिबान ने जजिया चुकाने या वो क्षेत्र छोड़ देने का फरमान सुनाया था। इसी तरह सुरक्षा कारणों से 27 हिंदू परिवारों को भारत में शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर हाफिज सईद की जुबान क्यों नहीं खुलती? पाकिस्तान में पैसे और रसूख वाले मुसलमानों द्वारा अल्पसंख्यकों के मासूम बच्चों के साथ किए जा रहे यौन शोषण पर भी चर्चा की गई। खुद पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि देश में नाबालिग हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय बहुत चिंतित है। मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2010 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से मामलों में हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ रेप किया जाता है और बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है। सिंध प्रांत विशेषकर देश की व्यापारिक राजधानी कराची में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं। इस खबर पर पाकिस्तान की सीनेट के अल्पसंख्यक मामलों की स्थायी समिति ने अक्टूबर 2010 में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस उपाय करने का आग्रह किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं केवल सिंध तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य भागों में भी ऐसा हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का अपहरण होता है, उनके साथ रेप किया जाता है और बाद में ये दलील दी जाती है कि लड़की ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, उसकी मुस्लिम व्यक्ति से शादी हो गई है और वह अपने पुराने धर्म में लौटना नहीं चाहती। पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का वजूद दिनों दिन मिटता जा रहा है। वो इतना जुल्म क्यों सह रहे हैं? आखिर वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो अपने देश में सुख शांति से जीने का अधिकार है। फिर इनके अधिकारों के लिए हाफिज सईद की जुबान क्यों बंद है? सुदर्शन न्यूज के लिए अनुज विश्वास के साथ गणेश पाठक की रिपोर्ट। दरअसल अगर पिछले कुछ वाक्यों की बात की जाए, हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हिंदू रहते हैं और हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान में क्या है, ये कई बार रिपोर्टों के जरिए सामने आती रही है। अल्पसंख्यक के तौर पर हिंदू वहां पर रहते हैं और किस तरीके से उनका धर्म परिवर्तन किया गया है, इसकी खबरें लगातार पाकिस्तान से आती रही हैं। लेकिन इसके उलट हफीज सईद ने भारत में मुसलमानों की दयनीय स्थिति की बात की है, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों के दर्जे के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को बराबर का हक देने की पूरी कोशिशें यहां पर की गई हैं, लगातार उनके उत्थान के काम यहां पर होते रहे हैं। श्याम जाजू साहब, भारत में लगातार मुस्लिम समाज या फिर अल्पसंख्यकों के लिए इस तरीके कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं जिससे कि वो अग्रणी श्रेणी में आकर खड़े हो जाएं। भारत के अलावा पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा हिंदू रहते हैं,
उन हिंदुओं के क्या हालात हैं, ये सबको पता है, कई बार खबरों के जरिए बातें सामने आती रही हैं, लेकिन भारत की तरफ से इन तमाम चीजों के लिए क्या किया गया है पिछले 10 सालों की बात की जाए और आगे सरकार की क्या रणनीति आपके हिसाब से? ये तो सही है कि भारत में मुस्लिमों को सम्मान दिया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनको विकास के रफ्तार में आगे से आगे लाने की कोशिश की जाती है, पर यह कोई बहुत विशेष बात है ऐसा मैं नहीं मानता। यह इस देश का धर्म है। यहां का मेजॉरिटी रहने वाला हिंदू समाज इतना सहिष्णु है कि वो नहीं चाहता, आखिर ये तो मुस्लिम तो थे तो हमारे भाई है, एक टाइम अपने परिस्थितिवश उन्होंने धर्म बदला है, पर है तो इसी मिट्टी से निकले हुए है, इसी जन्मभूमि उनकी यही है, इसलिए समाज का एक तबका अविकसित रहे ये किसी की धारणा नहीं रह सकती। दुर्दैव से इस प्रकार की भावना पाकिस्तान में नहीं है। बार बार बीच बीच में ऐसी घटनाएं वहां से आती है, ऐसी न्यूज आती है कि वहां इस प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता, वहां हिंदुओं को दहशत में रहना पड़ता है और बहुत बातों में अन्याय सहन करना पड़ता है। ठीक, पर इस देश के हिंदू का जो मन है वो कोई इसके कारण बदल नहीं सकता। नहीं बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि इस तरीके की स्थिति यहाँ बिल्कुल ना बने। संभव की बिल्कुल भावना रखता है, बिल्कुल इसी तरीके की स्थिति हम भी चाहते हैं कि भारत में बनी रहे, की भावना ना रखते हुए। ठीक है श्याम जाव साहब, लेकिन बिल्कुल जी विदित जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, एक आखिरी स्टेटमेंट आपसे लेना चाहता हूँ। इन तमाम चीजों की यहाँ पर जो कोशिशें हो रही हैं हफीज सईद की तरफ से भी या पाकिस्तान की तरफ से भी, क्या लगता है आपको क्यों है ये कोशिशें और क्या लगता है कि भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अब तक क्यों नहीं दिया गया है भारत के हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए भी जो इस वक्त पाकिस्तान में है? देखिए मैं यहाँ पर एक समझता हूँ कि मुद्दा हिंदू और मुसलमान का नहीं होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत का संविधान ये कहता है कि समानता का सिद्धांत भारत के अंदर लागू करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी को होनी चाहिए और सभी धर्मों, सभी समुदाय, सभी लोगों को, आम व्यक्तियों को हर एक चीज में बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो अपनी नीति है वो हर कोई पूरा विश्व जानता है पाकिस्तान की नीति क्या है, और आज उस नीति के कारण पाकिस्तान किस कगार पे खड़ा है ये भी पूरा ठीक है, लेकिन कमजोरी हमारी राजनीतिक कूटनीति की भी कही जा सकती है ना, कि सवाल ये उठता है कि भारत की तरफ से अब तक पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया गया? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको इस बात और यहाँ पे अपनी बात कहकर पूरी करूंगा। ठीक है, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे वादे चुनावों के अंदर कहके आए हैं और उनको वो करना चाहिए, उनकी सरकार है, उनको एक कठोर मैसेज देना चाहिए। जब 2 महीने के अंदर अभी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, और कम से कम पाकिस्तान ने 17 से 18 अटैक हमारे देश के ऊपर किए, तो हमें सवाल यही है, सवाल यही है कि निश्चित रूप से हमें इसमें क्या, निश्चित रूप से हमें इसका जवाब देना चाहिए। खत्म हो गया बिल्कुल, और सवाल यही है क्या हफीज सईद नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सही रहें, और क्यों जो भारतीय मुस्लिम हैं और जो मुस्लिम भारत में रह रहे हैं उन्हें क्यों भड़काने की कोशिश यहां पर हफीज सईद की तरफ से की जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जाव साहब, विदित जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।